How are you all? This is Mr. Shivam Niman, your English teacher. And today, I will explain you about the chapter on being Sara, which is a lesson from your English literature textbook. So students, this chapter tells us the story of a girl who is suffering from cerebral palsy. जो ये chapter है, वो एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है सारा बेनेट और उसको कौन सी बीमारी है सेरेब्रल पाल्सी की जिसके कारण ना तो वो बोल पाती है और ना ही चल पाती है शी कुडंट इवन स्पीक और वॉक ड्यू टू दिस प्रॉब्लम सेरेब्रल पाल्सी है क्या सेरेब्रल पाल्सी में उसके दिमाग का कुछ ऐसा भाग है सेरेब्रल पार्ट जो है वो या तो अफेक्टेड हो गया है या उसमें कोई डैमेज आ चुका है या तो इट वॉज नॉट डेवलप्ड बाय इट्स बाय हर बर्थ तो या तो सारा बेनेट का जो ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है या सारा बेनेट जो गर्ल है वो उसके बर्थ के टाइम या बर्थ के बाद उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है जिसके कारण वो सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड है और ना ही वो चल पाती है और ना ही बोल पाती है आपको कैसा लगा हाउ विल यू फील दैट इफ यू कांट कम्युनिकेट आपको कैसा फील होगा कि अगर आप बातचीत ना कर पाओ अपने मतलब इमोशंस अपनी जो भावना है वो व्यक्त ना कर पाओ तो इफ यू आर अनेबल टू शेयर योर फीलिंग्स और कम्युनिकेट टूगेदर देन यू विल फील डिप्रेस्ड एंड होपलेस तो वैसे ही सारा बेनेट जब बचपन में बात नहीं कर पाती थी ना ही दूसरे बच्चों की तरह ही चल पाती तो वो होपलेस और बहुत ही सेल्फलेस फील करती बिकॉज शी कांट स्पीक लाइक अदर्स डू शी कैन एबल टू लिसन शी इज एबल टू लिसन वो सुन पा रही थी समझ पा रही थी बट वो बोल नहीं पा रही थी ना ही चल पा रही थी सो स्टूडेंट्स सारा बेनेट व्हेन सारा बेनेट यूज टू टॉक टू एनीवन जब सारा बेनेट किसी बात करना चाह रही थी तो उसके मुंह से सिर्फ आवाजें आती थी ओनली साउंड और नॉइजेस केम लाइक दिस आ तो वो सिर्फ आ करके बोला करती थी उसके मुंह से सही से आवाजें शब्द नहीं निकल पाते थे जिसके कारण वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में नाकाम थी या वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी देयर्स अ वुमन मिसेस ब्रैडी केम टू गिव हर एक्सरसाइज तो मिसेस ब्रैडी नाम की एक महिला थी जो उसकी डेली एक्सरसाइज के लिए आती थी हफ्ते में दो बार उसको एक्सरसाइज देने आया करती थी कौन मिसेस ब्रैडी तो उनके थ्रू वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना सीखती थी बट व्हेन शी वाज अनेबल टू स्पीक एंड टू शेयर हर फीलिंग्स विद हर फादर मदर एंड सिस्टर शी फील लोनली एंड बिगेन टू शी फेल्ट लोनली एंड बिगेन टू वीप एंड क्राई ऑन हर व्हीलचेयर तो जब वो किसी से बात नहीं कर पाती अपने फादर अपने मदर या अपनी बहन से तो वो बेचारी रोने लग जाती थी उसको दुख होता था कि वो क्यों नहीं बोल पा रही है अब सारा बेनेट जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे स्कूल भेजा गया शी वॉज सेंट फॉर स्कूल व्हेन शी गेट एल्डर व्हेन शी ग्रू अप शी वॉज सेंट टू स्कूल तो जब वो बड़ी हुई तो उसको स्कूल भेजा गया तो वहां पर उसकी टीचर्स ने उसे कम्युनिकेट करने के लिए उसे बात करने के लिए अपने वर्ड्स को या बोलने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करी द टीचर्स हेल्प सारा टू कम्युनिकेट विद सिंबल्स तो सारा जो थी उसकी टीचर्स ने उसे बातचीत करने के लिए सिंबल्स का सहारा या हेल्प प्रोवाइड की तो अब सारा बेनेट जो थी वो सिंबल्स के थ्रू
सिंबल्स के यूज से अपनी बातों को शेयर करती, अपनी बातों को बोलती थी। सारा बेनेट जो थी सिंबल्स का यूज करके वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती थी, और देवर 300 सिंबल्स एंड टू देम कॉलम्स वर मेड। सिंबल्स को चिपकाने के लिए कॉलम्स बने हुए थे, जैसे कि आपका मैथ्स की बुक में कॉलम बना होता है लाइक दिस। और कम से कम 300 सिंबल्स थे अलग अलग चीज के लिए। और हर रो में जब सिंबल्स स्पेस कम जाते थे, तो अगर कोई रो बच जाती थी तो वो फ्यूचर यूज के लिए सिंबल यूज किए जाते थे। तो सिंबल्स वर 300 एंड देवर स्टिकी बिहाइंड देम, देवर स्टिकी। तो जो सिंबल्स थे वो स्टिकी थे, चिपचिपे थे, और उनको कम्युनिकेशन के लिए सारा बने उन्हें बोर्ड पर चिपका देते थे, ताकि वो अपने फीलिंग्स को, अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को कह पाए। तो वो बोर्ड टाइप थे, और जब वो सिंबल्स को पेस्ट कर देते तो उससे उसका अर्थ निकल आता था कि व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से। एंड अगर कोई रो बच जाती थी तो नेक्स्ट रो फ्यूचर टाइम के लिए यूज अप होने के लिए रहती थी। एंड देवर 300 सिंबल्स ऑफ पर्सन्स, एक्शंस एंड इमोशंस। अब पर्सन्स और थिंग्स जो उनको साथ ले लिए, जो चीजें हैं persons और things उनको साथ ले लिए जो चीजें हैं, उनके symbols येलो कलर के थे। actions या helping verbs, be form of verb जो थे उनके लिए ग्रीन कलर का सिंबल था। एंड जो इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, वो आपके ब्लू कलर के सिंबल्स थे। एंड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू से समथिंग, शी जस्ट टूक द सिंबल्स एंड जस्ट पेस्ट इट ऑन द बोर्ड। द बोर्ड नेम वाज ब्लिस सिंबल, बोर्ड का नाम था ब्लिस सिंबल, और इन ब्लिस सिंबल के बोर्ड ब्लिस सिंबल्स का यूज करते हुए कम्युनिकेट करती थी। तो व्हेन शी लर्न टू कम्युनिकेट, शी स्पेल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, आई एम सारा बेनेट, आई कम्युनिकेट विद ब्लिस सिंबल। तो जब सारा कम्युनिकेट करने लगी, तो वो सिंबल्स जो थे, ब्लिस सिंबल जो थे, उनका उसने मतलब उसने बताया कि मैं सारा बेनेट हूँ और मैं कम्युनिकेट करती हूँ, मैं बातचीत करती हूँ ब्लिस सिंबल की हेल्प से। अब सारा के बोर्ड में लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर स्टिकर से लेफ्ट हैंड साइड पर जो सिंबल था वो बड़ा सा सिंबल था नो में, जिसका नाम था लेफ्ट हैंड कॉर्नर, जैसे बोर्ड है तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे बड़ा सा सर्कल बना हुआ था नो का, और राइट हैंड साइड पे जो सर्कल बना था वो था यस का। और इसके थ्रू जब वो कम्युनिकेट करने में मतलब हेल्पफुल नहीं होता था, तो कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो नो, और अगर कोई चीज समझ में आ गई है तो यस। तो नो के लिए सिंबल था और यस के लिए सिंबल था, जो उसका फेवरेट सिंबल था। यस के लिए जो सिंबल था वो ये था, और ये उसका फेवरेट सिंबल भी था। अब कई सिंबल्स का यूज सारा बेनेट ने समझने के लिए किया, और जब वो चीजों को समझ गई, जब चीजों को वो अच्छे से अंडरस्टूड उसको हो गया कि किस तरह से हम बातचीत कर सकते, तो वो कुछ सिंबल स्कूल से घर लेकर आती है। और वो सिंबल्स जब स्कूल से घर लेकर आती है, वंशी ब्रॉट सम सिंबल्स फ्रॉम हर स्कूल टू होम। शी हर मदर डेकोरेटेड इट
डेकोरेटेड द किचन वॉल विद देम। और तब जो सारा की मदर है वो भी उन सिंबल्स को सीखना चाह रही थी और उनसे अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना चाह रही थी। तो उन्होंने जो किचन की दीवार थी उसको सजा दिया उन सिंबल्स की सहायता से। सम ऑफ देम सिंबल्स वर लाइक दिस फॉर मदर, दिस सिंबल वॉज फॉर हर मदर, दिस सिंबल वॉज फॉर द फादर, दिस सिंबल वॉज फॉर द सिस्टर। तो ये मदर, ये फादर और ये सिस्टर के लिए सिंबल था। अब फीलिंग्स, एंग्री और हैप्पी के लिए सिंबल था, हैप्पी का सिंबल था, और एंग्री के लिए सिंबल था, तो ये हैप्पी के लिए सिंबल था और ये एंग्री के लिए सिंबल था। तो ऐसे सिंबल जो थे वो सारा यूज करती थी कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो सिंबल्स जब वो अपने घर में लेके आती है तो उसकी मदर उसको डेकोरेट, मतलब उससे किचन वॉल को डेकोरेट करती है और उनसे सीखने की कोशिश करती है। एंड दे फाइंड इट वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ देम टू कम्युनिकेट टुगेदर। और इससे सारा और उसकी मदर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नाउ सारा वांटेड टू नो व्हाट हैपेंड विद हर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, व्हिच प्रॉब्लम्स लेड हर टू नॉट टू वॉक और स्पीक। सो सारा आस्क हर मदर अबाउट दैट कंडीशन, अबाउट हर कंडीशन। सारा अपनी मामा से उस कंडीशन साइबल प्लासी, मतलब क्यों वो चल नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही, उसके बारे में पूछती है। तो सारा की मदर बताती हैं कि विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स कि व्हेन शी टूक हर टू द डॉक्टर फॉर हर कंडीशन, व्हेन शी वाज एग्जामिंग टू नो व्हाट, व्हेन शी वाज डायग्नोस फॉर व्हाट प्रॉब्लम शी इज हैविंग दैट शी कांट एबल टू speak or walk, the doctor told her mother that the girl is suffering from cerebral palsy which caused a damage to her brain before or after the time when she was when she took birth. तो या तो जन्म से पहले या जन्म के समय उसके सिर में कोई चोट लग गई या उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए उसको सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी था क्या? सेरेब्रल पाल्सी में ब्रेन के ब्रेन का कुछ पार्ट डेवलप ना होने के कारण या अफेक्टेड हो जाने के कारण जो एक्शंस है, जो साइनाप्सिस सिग्नल्स है वो सही से नहीं जा पाए, जिसके कारण जो हमारा मसल्स है या वर्किंग है वो वर्क नहीं कर पाते, ना तो वो चल पाए उस मसल, मतलब उसके ब्रेन सिग्नल ही भेज पा रहा है जिसके कारण वो मसल्स वर्क कर पाए, ना तो वो बोल पा रही थी और ना ही वो चल पा रही थी। तो ये वो उसकी मदर उसको बताती कि उसको क्या प्रॉब्लम है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन सारा बेनेट अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम शी वॉज फेसिंग सिंस बर्थ एंड वाई शी वॉज नॉट लाइक द अदर चिल्ड्रेन। नाउ her mother told her that doctor also said that she can't speak nor walk and she is different from the normal children and she is unable to communicate and able to read and learn। doctor बताते हैं कि ना तो कभी ये चल पाएगी इस बीमारी के कारण, ना तो कभी वो चल पाएगी, ना ही कभी वो बोल या पढ़ लिख सकेगी। तो क्योंकि ये सामान्य बच्चों से different है। अब इस बात को सुनकर सारा के मन में कुछ थॉट्स आते हैं और वो उनको बोलने के लिए एक्सप्रेशन या सिंबल्स शो करते हैं। अब सारा ने अल्फाबेट्स भी सीख चुकी थी, तो सारा यूज करती है वर्ड्स डम्ब डॉक्टर। सारा बोलना चाहती थी डम्ब डॉक्टर, पर डम्ब के लिए तो कोई सिंबल नहीं था, डम्ब के लिए कोई सिंबल नहीं था, तो उसने एक्सप्रेस किया सिंबल्स के थ्रू, D U M डॉक्टर की पिक्चर लगा दी।
Now she started laughing. मतलब जब हम कोई व्यंग्य में कोई बात करते हैं या मजाक करते हैं तो हमें हंसी आती है. मूर्ख डॉक्टर सुन के बोलना चाहती थी और वो बोल अपनी भावना व्यक्त करके जब उसने अपनी मम्मा से शेयर की फीलिंग तो वो हंसने लगी. पर डम्ब के लिए कोई फीलिंग नहीं था, वो सिंबल नहीं था, तो उसने क्या लिखा, DUM डॉक्टर. ठीक, डॉक्टर का सिंबल लगा दिया. जब उसकी मम्मा ने देखा कि हमारी बेटी ने डम्ब लिखना समझ गई है यानी बेवकूफ यानी पागल, तो वो बहुत खुश हुई कि नाउ शी कैन एबल बी कैन एबल टू स्पीक एंड शेयर हर फीलिंग्स थ्रू द ब्लेस सिंबल और बाय द स्टिकर्स मेथड ऑफ सिंबल. सो नाउ सारा understood a new word which was dumb and she shared her feeling about that. So this was the today's video explanation.